वाशिंगटन से खबर शाम करते हैं, जहां पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरानी हमलों के बाद अमरीकी फौज को इसराइल का दफा करने का हुक्म दे दिया। तर्जमान वाइट हाउस ने बताया है कि ईरानी हमलों की सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस वाइट हाउस में मौजूद हैं। वाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन ने अमरीकी फौज को इसराइल आने वाले ईरानी मिसाइलों को मार गिराने और इसराइल का दफा करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानब अपने बयान अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि अमरीका इसराइल के दफा के लिए तैयार है। उनका कहना था कि अमरीका खिते में अमरीकी अहलकारों की हिफाजत के लिए भी तैयार है। वाज़ेह है कि ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और 400 मिसाइल दाग दिए।